नमस्कार एरिस। एरिस यानी मेष राशि। मैं सुरेश गौड़ और आप देख रहे हैं ट्रिपल एस हिंदी टैरो, जो आपका अपना चैनल है। इसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली रीडिंग करेंगे, जो एक जनरल रीडिंग है। जैसा कि आप जानते हैं, ये सब पर 100% रेजोनेट नहीं होती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है, प्लीज़ आप उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि जो एरिज के पर्सन हैं, वो एरिज के लिए क्या फीलिंग रखते हैं, उनके उनके प्रति करंट फीलिंग्स क्या हैं। फिर हम देखेंगे कि एरिज अपने पर्सन के प्रति क्या फील करते हैं, और अगले 72 आवर्स में एरिज के पर्सन एरिज के लिए क्या एक्शन लेंगे, और इस सिचुएशन की गाइडेंस क्या रहेगी। तो चलिए देखते हैं एरिज के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। एरिज के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड डेथ। तो इसमें एरीज के पर्सन महसूस कर रहे हैं कि जो चीज़ें, जो सिचुएशन, जो जगह उनके लिए नहीं बनी है, उन्हें उन चीज़ों को छोड़ने में ही भलाई है। उन चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। जब तक वो उन चीज़ों को छोड़ नहीं देंगे, जब तक वो आगे नहीं बढ़ सकते, तो उन्हें उन चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। जो चीज़ें, जो सिचुएशन, जो जगह, जो लोग उनके लिए नहीं बने हैं, जब तक वो इन सिचुएशन को नहीं छोड़ेंगे, तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकते। और वो फील कर रहे हैं कि इस जो रिश्ता है, इस रिश्ते में काफ़ी माइंड गेम चल रहे हैं, मैनिपुलेशन हो रही है, या हो सकता है कि उनकी पीठ पीछे कोई धोखा दे रहा है। तो वो फील कर रहे हैं कि या तो उनको उन लोगों को छोड़ देना चाहिए जो उनको धोखा दे रहा है, जो उनके साथ माइंड गेम खेल रहा है। और अगर वो दूसरों के साथ माइंड गेम खेल रहे हैं, तो वो उन चीज़ों को छोड़ दें। अगर क्योंकि अगर वो दूसरों के साथ, दूसरों की भावनाओं के साथ माइंड गेम खेलेंगे, तो भले ही चाहे उनकी ईगो जीत जाए, लेकिन वो इंसान हार जाएंगे। तो उनको चाहिए कि या तो उन लोगों को पहचाने जो उनको हर्ट कर रहे हैं, जो उनकी पीठ पीछे कुछ ना कुछ उनका उनको धोखा दे रहे हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी लोग इन्वॉल्व हैं, तो उनको धोखा दिया जा सकता है, उनके भावनाओं के साथ खेला जा सकता है। और वो महसूस कर रहे हैं कि इस ये काम करने के लिए वो अपने फैमिली की, परिवार की मदद ले सकते हैं। परिवार की मदद लेकर वो इन परेशानियों से, इन दिक्कतों से बाहर आ सकते हैं। और उनको अगर वो इसमें परिवार की, फैमिली की मदद ले लेते हैं, सपोर्ट लेते हैं, तो वो एक अच्छी लाइफ स्पेंड कर सकते हैं, इस रिश्ते को अच्छा बना सकते हैं। वो परिवार की या फैमिली की, या फिर जो नॉन पर्सन है, या जिनमें से जो उनके रिश्तेदार हैं, जिनमें उनको अपने जैसी वाइब्स आती है, उन फ्रेंड्स की मदद लेकर वो इस परेशानी से, इस सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं। और जो चीज़ें उनके लिए सही नहीं है, जो उनके लिए नहीं बनी है, उन चीज़ों को उन्हें छोड़ देने में ही उनकी भलाई है। तो देखते हैं कि जो एरीज हैं, वो अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। एरीज अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। एरीज अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो वो जो सिचुएशन, जो कंडीशन उनके लिए नहीं, सही नहीं है, वो उससे रिमूव करना चाहते हैं, उस जगह को, उस सिचुएशन को छोड़ देना चाहते हैं। और वो क्योंकि इस रिश्ते की गहराई तक वो महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में एक अट्रैक्शन है, आकर्षण है, वो ये रिश्ता उनको अच्छा लगता है, क्योंकि उनको उनका कुछ भी काम करने का तरीका अच्छा लगता है, वो उन पर मुग्ध है, और वो इनको अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। उनको इनका हर काम, हर तरीका अच्छा लगता है, वो उनको खूबसूरत लगते हैं, उनके वो इनके साथ अपना लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं। तो एक अट्रैक्शन है, एक आकर्षण है, उनको इनका तरीका अच्छा लगता है, वो इनको खूबसूरत दिखते हैं, और जो उनका काम करने का तरीका है, वो उनके मन को भाता है। तो वो इसलिए इस रिश्ते में जुड़े रहना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि अगर लंबे समय से बात नहीं हुई है, तो वो इस रिश्ते में एक
क्लियर कट कम्युनिकेशन चाहते हैं, ईमानदारी चाहते हैं, ऑनेस्टी चाहते हैं। वो महसूस कर रहे हैं कि एक ईमानदारी के साथ, ऑनेस्टी के साथ, लॉयल्टी के साथ इस रिश्ते में सोच विचार करके इसको आगे बढ़ाया जाए, इसके बारे में बातें की जाए। अगर लंबे समय से कम्युनिकेशन नहीं हुआ है तो वो इसमें कम्युनिकेशन भी चाहते हैं। तो वो महसूस कर रहे हैं कि वो जो सिचुएशन उनके लिए नहीं बनी है उसको छोड़कर इस रिश्ते के आकर्षण को, अट्रैक्शन को देखें कि इसमें कितना आकर्षण है, कितनी अट्रैक्शन है, क्योंकि वो इनकी तरफ इन वो इनको ये काफ़ी खूबसूरत लगते हैं, इन पर वो मुग्ध हैं और इनका हर तरीका उनको अच्छा लगता है। और वो इसमें एक कम्युनिकेशन चाहते हैं, एक मैसेज या कॉल के जरिए बातें करना चाहते हैं। और वो इसमें एक क्लियरिटी वो महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में बिल्कुल क्लियरिटी हो, साफ स्पष्ट हो, ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ ये रिश्ता आगे बढ़े। तो देखते हैं कि अगले 72 घंटे में जो एरीज के पर्सन हैं वो एरीज के लिए क्या एक्शन लेंगे, अगले 72 आवर्स में। द मून, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ कप्स। एरीज के पर्सन अभी इस रिश्ते को लेकर काफी चिंतित हैं। वो उनको डर लग रहा है कि जब से ये रिश्ता बना है इसमें कुछ ना कुछ दिक्कत आ रही है, कोई ना कोई पनौती है। इस रिश्ते को लेकर वो घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं। फिलहाल के लिए वो इसमें कोई एक्शन नहीं लेना चाह रहे और वो उनको वो महसूस कर रहे हैं कि जितना इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में कोशिश कर रहे हैं उतना ही इस रिश्ते में पनौती आ रही है, उतना ही कुछ ना कुछ ये रिश्ता गड़बड़ कर रहा है। कुछ ना कुछ राज, मिस्ट्री, रहस्य, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उनसे छिपाई जा रही है, ऐसा भी वो महसूस कर रहे हैं। और वो महसूस कर रहे हैं कि जो एंजाइटी है, जो स्ट्रेस है, जो जिस परेशानी से वो फंसे हुए हैं वो उससे बाहर निकलने की कोशिश करना चाहते हैं फिलहाल। तो अभी वो इसमें महसूस कर रहे हैं कि वो सबसे पहले इस स्ट्रेस से बाहर निकले, इस एंजाइटी से बाहर निकले, जो रातों की नींद हराम हो गई है उसके बारे में कोई सॉल्यूशन निकालें। जब तक कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता, जब तक कोई हल नहीं होता, जब तक वो इसमें कोई एक्शन नहीं लेना चाहते, क्योंकि अभी वो डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, रातों की नींद उनकी हराम हो चुकी है और वो अभी सोच रहे हैं कि इस रिश्ते से, एंजाइटी से, स्ट्रेस से जब वो बाहर आ जाएंगे तो इस रिश्ते में उसके बाद वो चाह रहे हैं कि एक इसमें एक बिगनिंग की जाए, एक शुरुआत की जाए धीरे, ताकि धीरे धीरे करके इस ये रिश्ता पहले की तरह हो सके। तो वो इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत चाहते हैं कि एक बच्चे की तरह यंग एनर्जी के साथ मिलकर, एक ज़्यादा इमोशंस में ना बहकर एक बिगनिंग करें, एक शुरुआत करें। जब वो, और सबसे पहले वो इससे एंजाइटी से, स्ट्रेस से, इस परेशानी से, इस डर से, इस घबराहट से बाहर निकलना चाहते हैं जिससे वो डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। तो वो महसूस कर रहे हैं कि सबसे पहले उनको थोड़ा सा मेडिटेशन, प्रेयर, हीलिंग, इस तरह की चीज़ें करनी चाहिए और इस सिचुएशन से बाहर आना चाहिए, तभी इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए। तो ऐसा वो हो सकता है कि एरीज के पर्सन एरीज के लिए कर रहे हैं या एरीज उनके लिए कर रहे हैं, दोनों में से कोई भी किसी के लिए कर रहा है, या दोनों ही ऐसा कुछ महसूस कर रहे हैं कि इस जो परेशानी, दुख, दुविधा हो रही है उससे बाहर निकल के इस रिश्ते में कोई एक्शन लिया जाए, एक बिगनिंग, एक शुरुआत की जाए। तो इसकी गाइडेंस देख लेते हैं, इसकी गाइडेंस क्या रहने वाली है। टेम्परेंस, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड एट ऑफ पेंटिकल्स। तो वो मुझे लग रहा है कि यूनिवर्स गाइड कर रहे हैं कि इस रिश्ते में सबसे पहले अपने टेम्पर पर, गुस्से पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। जो बार बार गुस्सा आ जाता है उसको चेंज करने की ज़रूरत है, उसको बदलने की ज़रूरत है। इसमें एक स्टेबिलिटी लाने की ज़रूरत है, एक इस रिश्ते में बैलेंस लाने की ज़रूरत है। और अगर इस रिश्ते में
उसके बाद बैलेंस, जब बैलेंस आ जाता है, गुस्सा खत्म हो जाता है, टेम्पर खत्म हो जाता है, तो इसमें एक समय रहते एक न्यू ब्रांड बिगनिंग करने की जरूरत है, और ताकि कोई परेशानी ना रहे, कोई दिक्कत ना रहे, पिछली बातों को भूलकर जो परेशानियां दिक्कतें इस रिश्ते में आई हैं उन सबको भुलाकर इसमें एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग करने की जरूरत है, एक समय रहते एक शुरुआत करने की जरूरत है, और इस पर अपनी एनर्जी डालें, मेहनत करें और एफर्ट लगाएं ताकि ये रिश्ता सक्सेस हो सके, कामयाब हो सके। जितना इस रिश्ते में मेहनत करेंगे, जितना एफर्ट लगाएंगे, जितनी कोशिश करेंगे, उतना ही ये रिश्ता कामयाब हो सकता है, उतना ही ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। सबसे पहले अपने गुस्से पर कंट्रोल करें, अपने जो गुस्सा करने का स्वभाव है, जो लड़ने का स्वभाव है, उसको खत्म करें और प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में बैलेंस लाएं, और एक लाइफ में बैलेंस लाने के लिए एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें और मेहनत करें, एफर्ट लगाएं, एनर्जी डालें, ताकि जितना इसमें एफर्ट लगाएंगे, जितना मेहनत करेंगे, जितनी कोशिश करेंगे, उतना ही ये रिश्ता सक्सेस हो सकता है, उतना ही कामयाब हो सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इससे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में काफ़ी खुशी होती है। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। फिर एक वीडियो के साथ मिलेंगे फ्रेंड्स, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू सो मच।